आज हमारे देश भारत में जिस तरीके से ग्रीन फ्यूल यानी हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जा रहा है, भारत बहुत जल्द दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में जरूर शामिल हो जाएगा, जिससे न सिर्फ हम तेल आयात पर लगाम लगा पाएंगे बल्कि तेल निर्यातक देशों को एक गहरी चोट पहुंचने वाली है। एक काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है भारतीय कंपनी ओमेगा सिक्की मोबिलिटी की तरफ से, जहां पर कंपनी भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल थ्री व्हीलर कार्गो सिस्टम को बनाने के ऊपर काम शुरू कर चुकी है। ये एक थ्री व्हीलर व्हीकल होने वाला है जिसे सिर्फ 15 मिनट के फ्यूलिंग प्रोसेस के बाद करीबन 400 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करने वाला है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पिछले 10 सालों में अब तक का लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला है, जहां पर एक थ्री व्हीलर सिर्फ 15 मिनट की फ्यूलिंग में करीबन 400 किलोमीटर की रेंज के साथ में ऑपरेट किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी टाटा, अशोक लेलैंड, रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपने हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स को ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया है और नवंबर दिसंबर 2023 या फिर 2024 में इन हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स की टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया जाएगा। बात करें ओमेगा सिक्की मोबिलिटी की तरफ से आने वाले थ्री व्हीलर्स के बारे में, तो इसे 1 से 1.5 साल के अंदर लॉन्च कर जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि इस व्हीकल के ऊपर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है, ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर इसकी टेस्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगर हम इस थ्री व्हीलर्स की और डिटेल्स की बात करें तो कंपनी के मुताबिक इसे 24/7 हर वक्त चलाया जा सकता है 2 से 3 दिनों तक। इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे कार्गो कैरियर में इस्तेमाल किया जाएगा और ये कन्वेंशनल व्हीकल्स की तुलना में करीबन 4 गुना ज्यादा माइलेज देंगी, जिससे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर और रिसीवर को भी फायदा होगा। बताया जा रहा है कि करीबन 4 लाख की कीमत के साथ में इस व्हीकल को भारत के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जहां पर फ्यूलिंग की समस्या का समाधान लेकर के कई बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही है, जो अपने फ्यूलिंग स्टेशन पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर रही है। आपको बता दें, ओमेगा सिक्की मोबिलिटी ने कुछ समय पहले ही डिसीजन लिया था कि वो अपने टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बांग्लादेश के अंदर सेटअप करने वाले हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी अपने व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बना सके, ताकि चाइनीज कंपनियां या फिर दूसरे देशों की कंपनियां डोमिनेट न कर पाए। इसके अलावा 5 अप्रैल 2023 को ओमेगा सिक्की मोबिलिटी ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में एक $200 मिलियन की डील साइन की थी, जिसमें कंपनी एक ईवी फैक्ट्री को सेटअप करने वाली है, जहां पर अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स और कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साल 2023 में कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 2 यूनिट्स पर काम शुरू किया जाएगा। करीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से देश के अंदर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ईवी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर शुरू हो जाएगी, जो अभी तक हम चाइना से इंपोर्ट करते आए हैं। इसमें कई प्रकार की मोटर्स, कंट्रोलर्स, यहां तक की बैटरीज भी शामिल हैं। तो यह एक भारतीय कंपनी जो मल्टीपल तरीकों से भारत के ईवी सेक्टर में मेड इन इंडिया को बड़े स्केल पर प्रमोट करने की तैयारी में है। कंपनी इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।